What is up guys, my name is Shashwat and welcome to yet another video. And in this video, we will be going through basics of how to rent a car in Europe and the basic driving rules in Europe. And if you're an Indian, you guys practically know that in India, the driving rules basically non-existent. And aisa wahan pe nahi hai, they take this very seriously over there. I have done two road trips in Europe. My first road trip was through Austria and Switzerland and my second road trip was through Hungary and Slovakia. That is why मेरे को ये टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है एंड आई थॉट आई शुड शेयर इट विथ यू गाइज. द आइडिया ऑफ अ रोड ट्रिप रियली बिकेम पॉपुलर इन इंडिया आफ्टर दैट मूवी वेयर फरहान अख्तर, अभय देओल एंड हृतिक रोशन ड्राइव अक्रॉस स्पेन. इट इज नॉट एज इजी एज इट लुक्स. देर इज सो मच मोर टू इट एंड दैट इज वाई यू नीड टू वॉच दिस वीडियो. एंड इफ यू गाइज आर न्यू हियर, आई अपलोड ट्रैवल वीडियोज एवरी वीक फॉर ऑफ बीट, न्यू, यूनिक एंड एडवेंचरस वेज ऑफ ट्रैवलिंग एस्पेशली फॉर द इंडियन ट्रैवलर. सो इफ यू आर इन टू समथिंग लाइक दैट, कंसिडर सब्सक्राइबिंग. To rent a car in Europe, the first thing that you will need is a credit card. आप credit card के बिना car hire नहीं कर पाओगे. And the credit card should be in your name or the person who is driving the car. And just make sure कि आपका credit limit at least 1000 euros तक है. Because when you rent a car, वो लोग एक security deposit अपने पास रखते हैं. And when you return a car, वो आपको वापस कर देते हैं. The next thing that you will need is a driving license. In most European countries, Indian driving license चल जाता है because it is in English or Roman characters. बट समवेयर सम कॉप्स कभी कभी वो एक्सेप्ट नहीं करते. दैट इज़ वाई आई सजेस्ट कि एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेके जाना बहुत ज़रूरी है. वॉट इज़ एन इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट इज़ कि आपके RTO पे जाके अगर आप आपका वीज़ा और आपके ट्रैवल टिकट्स आपको दिखाते हो तो आपको एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट मिल जाती है विच लुक समथिंग लाइक दिस. एंड वेन यू हैव एन इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट वहाँ पर ज़्यादा कोई आपको परेशान नहीं करेगा. एंड ओवरऑल वहाँ पे कॉप्स ऐसे परेशान करने वाले नहीं है. बट इट इज़ बेस्ट टू हैव द करेक्ट डॉक्यूमेंट्स विथ यू एट ऑल द टाइम. देर आर सो मेनी कार रेंटल कंपनीज इन यूरोप जैसे सिक्स्ट, एविस, हर्ट्स एंड दीज आर जस्ट टू नेम अ फ्यू. एंड डिपेंडिंग ऑन द कंट्री वहाँ पे एक लोकल कार रेंटल एजेंसी भी रहती है जो समटाइम्स इट इज चीपर बिकॉज ऑब्वियसली मल्टीनेशनल कंपनीज आर मोर एक्सपेंसिव बट एट द सेम टाइम द कस्टमर सर्विस एंड द कार क्वालिटी इज बेटर है. एंड द बेस्ट प्लेस टू कंपेयर द प्राइसेस फ्रॉम ऑल दिस कंपनी इज अ वेबसाइट कॉल्ड rentalcars.com. लिंक्स टू दिस आई विल लीव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. One insider tip is that picking up a car from the airport is more expensive because obviously airport का वो चार्ज लगता है. बट इफ यू हैव लाइक स्मॉल बैग्स एंड छोटे बैग्स या फिर बैकपैक है, वॉट यू शुड डू इज के एयरपोर्ट से पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके आप सिटी सेंटर तक पहुंचो एंड अगर वहाँ से आप गाड़ी पिकअप करते हो तो 60-70 यूरोज आप बचा सकते हो. ऑल्सो वेन यू रेंट अ कार फ्रॉम अ कंपनी आपको रेंट तो भरना ही है बट उसके ऊपर आपको इंश्योरेंस बाय करना है. सो द इंश्योरेंस दैट यू आर बाइंग फॉर इज फॉर थर्ड पार्टी डैमेज, फॉर कोलिजन वेवर एंड फॉर थेफ्ट. सो थर्ड पार्टी डैमेज इज के समझो आपके गलती से अगर किसी और को लग जाता है तो उसके ट्रीटमेंट के एक्सपेंसिस वो इंश्योरेंस कवर करेगा. थेफ्ट इज ऑब्वियसली अगर चोरी हो जाती है गाड़ी तो इंश्योरेंस कवर करेगा. एंड डैमेज इज अगर कुछ गाड़ी को स्क्रैच लग जाता है, अगर डैमेज हो जाता है तो वो कंपनी इंश्योरेंस कवर करेगी. अभी इसके बहुत अलग अलग टाइप्स के इंश्योरेंस है बट आई सजेस्ट कि इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम ड्राइवर एंड फर्स्ट या सेकेंड टाइम ही जा रहे हो, यू शुड ऑलवेज बाई फुल प्रोटेक्शन एंड थोड़ा भी चांस नहीं लेना बिकॉज वहाँ पर यूरोप में छोटा सा भी डैमेज रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. सो फॉर ऑल यू फर्स्ट टाइमर्स एंड सेकंड टाइमर्स आई सजेस्ट के फुल इंश्योरेंस ही लेना. थोड़ा बहुत महंगा होएगा बट इट इज टोटली वर्थ इट एंड द पीस ऑफ माइंड यू गेट विथ इट इज प्राइसलेस. ओके, सो नाउ दैट यू नो फ्रॉम वेयर टू बुक, हाउ टू बुक, कौन से कंपनीज है एंड द बेसिक्स नाउ यू नो, लेट्स टॉक अबाउट द ड्राइविंग रूल्स. आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू इन एनी वे बट अगर ड्राइविंग रूल्स फॉलो नहीं हुए तो आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट से जो भी आपको फाइन लगेगा बिकॉज कैमराज आर एवरीवेयर एंड अगर जो आपको फाइन लगेगा वो आपके डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड से ही कट हो जाएगा. सो जस्ट पे अटेंशन टू ऑल दिस एंड यू शुड बी फाइन. ओके, फर्स्ट थिंग इज द ड्राइविंग इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द रोड. इनिशियली थोड़ा टाइम लगेगा आपको थोड़ा यूज टू होने के लिए बट अराउंड 5-10 मिनट्स के बाद यू नो इट बिकम्स वेरी नेचुरल. सेकेंड थिंग इज द ट्रैफिक लाइट्स, जो इंडिया में मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द सिटीज में एंड रूरल एरियाज में तो है ही नहीं बट यूरोप में इवन छोटे छोटे गाँव से लेके हर जगह पे ट्रैफिक लाइट्स है. ट्रैफिक लाइट बेसिकली कॉमन ही है, रेड इज स्टॉप, ग्रीन इज गो. बट इंडिया में मैंने देखा है ऑरेंज में जब ऑरेंज लाइट आ जाती है पीपल यूजली स्पीड अप टू मिस द रेड लाइट. बट इन यूरोप वेन द ऑरेंज लाइट इज देयर यू नीड टू स्टार्ट स्लोइंग डाउन सो दैट यू नो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, ज़्यादा ट्रैफिक प्रॉब्लम्स नहीं हो. सो जस्ट रिमेंबर दैट. अनदर डिफरेंस दैट आई सी इज दैट हॉन्किंग इज बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट इन यूरोप. लाइक मेरे दोनों रोड ट्रिप में मैंने अपना खुद का गाड़ी का हॉर्न सुना ही नहीं था. एंड इंडिया में तो जैसे टाइम पास के लिए या जस्ट किसी को हाई बोलने के लिए हॉर्न मारते हैं. एंड यूरोप में वैन यू हॉन्क इट इज़ ऑलमोस्ट कंसिडर्ड एज एन इंसल्ट और आप सामने वाले को अब्यूज़ कर रहे हो कि भाई क्या कर रहे हो. एंड इट इज़ अ लास्ट रिसॉर्ट. लाइक अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है जस्ट टू प्रिवेंट एन एक्सीडेंट अगर आप हॉर्न मारते हो ओनली देन इट इज़ कंसिडर्ड ओके.
But otherwise, just to mark your presence, वहाँ पे ऐसे horn माना allowed नहीं है. So just keep in mind about that. Another important thing is the speed limit. वहाँ पे सब लोग speed limit के हिसाब से ही चलाते हैं. And जगह-जगह पे they have kept speed cameras to check अगर आप बराबर speed चला रहे हो कि नहीं. Again, if you are found to be speeding, आपके security deposit से वो fine cut हो जाएगा. So don't overspeed and just make sure you are under the speed limit. Speed limits are usually shown on the side of the road, so just keep in mind about that. या फिर आपके Google Maps या GPS में भी दिखाता रहेगा कि स्पीड लिमिट कितनी है. सो जस्ट कीप इन माइंड कॉमन स्पीड लिमिट्स अक्रॉस यूरोप आर दैट व्हेन यू एंटर अ सिटी एंड उसके लिए भी अलग से एक मार्किंग है कि व्हेन यू आर एंटरिंग अ सिटी और अ टाउन एरिया द स्पीड लिमिट इज रिड्यूस्ड टू 50 किलोमीटर्स एन आवर एंड इफ यू आर ऑन अ हाईवे द स्पीड लिमिट इज यूजुअली 90 टू 100 किलोमीटर्स एन आवर. एंड मेरा एक सजेशन रहेगा कि ऑल द साइन बोर्ड्स जो भी है दे आर प्रैक्टिकली टेकन वेरी सीरियसली देयर. सो जस्ट गो थ्रू ऑल द साइन बोर्ड्स कोई भी वेबसाइट पे जाके जस्ट सी द साइन बोर्ड्स क्या क्या है व्हाट डू दे मीन बिकॉज दे मीन अ लॉट एंड यू नीड टू फॉलो ऑल दैट तो ही आपका ट्रिप बहुत ईजी होएगा. वंस यू हैव अ कार यू नीड टू पार्क इट राइट. तो पार्किंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मोस्टली ऑन वीकेंड्स स्ट्रीट पार्किंग इज फ्री बट अदरवाइज पार्किंग ऑन द स्ट्रीट इज एक्सपेंसिव. जगह जगह पे वेरेवर यू आर पार्किंग देर विल बी यू नो मीटर्स जहाँ पे यू नीड टू फीड द मीटर टू गेट सम अमाउंट ऑफ पार्किंग टाइम. अदरवाइज यू नो वहाँ पे एक स्लॉट रहेगा आप स्लॉट नंबर डालो तो वहाँ पे यू नो आपको टिकट देगा एंड वो टिकट यू नीड टू डिस्प्ले ऑन योर डैशबोर्ड. सो जस्ट मेक श्योर वेरेवर यू आर पार्किंग एक साइन बोर्ड रहेगा कि पार्किंग फीस कितने हैं कहाँ पे लेना है और जस्ट इफ यू डोंट नो जस्ट आस्क अराउंड पीपल विल हेल्प यू आउट. इधर उधर पार्क मत करना बिकॉज देर वॉज अ टाइम वैन हंगेरी में हम लोग ड्राइव कर रहे थे एक छोटे से गांव में थे एंड मैंने वहां पे साइन बोर्ड नहीं देखा था एंड वी हैड गॉन फॉर लाइक 5 मिनट्स एंड व्हेन आई केम बैक वहां पे यू नो पार्किंग टिकट थी एंड वी हैड टू पे. एंड यूरोप में चलता है कुछ जुगाड़ कर लेंगे वो कंसेप्ट चलेगा ही नहीं. यू नीड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद ऑल दिस तो जस्ट पे अटेंशन टू वेयर यू आर पार्किंग. ओके टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट टू रूल्स ऑफ प्रायोरिटीज इन लेन मेरे को एक व्हाइट बोर्ड की जरूरत पड़ेगी. सो पे अटेंशन टू दिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो इन यूरोप इज लेन डिसिप्लिन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो जस्ट पे अटेंशन टू दिस. Let's talk about highways first. Highways pe say there is a 4-lane highway and this is the opposite side. So most of the time kya karna hai aapko ki when you are just simply driving you must use the rightmost lane and this lane the leftmost lane is only used for passing by. Agar kisi ko overtake karna hai to hi wo lane use karenge warna fir aapko rightmost lane pe hi lena hai. And agar aapka third lane bhi hai to wo third lane mein usually trucks lorries and ye sab cheez rehti hai तो मिडिल लेन बन जाती है आपकी कार वाली लेन एंड दिस लेन द एक्सट्रीम लेफ्ट मोस्ट लेन कैन ओनली बी यूज्ड फॉर पासिंग बाय. दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट रूल. सेकंड रूल में टॉक अबाउट लेन डिसिप्लिन इज व्हेन यू आर एट इंटरसेक्शन. समझो आप इंटरसेक्शन पे हो देर आर 4 roads डाइवर्जिंग एंड समझो आप यहाँ से आ रहे हो एंड आपको लेफ्ट लेना है. सो ये लेफ्ट लेने से पहले ही रोड पे मार्किंग्स रहेंगे समथिंग लाइक दिस स्ट्रेट एंड दिस गोज टू राइट. ओके सो इफ़ यू वॉन्ट टू टेक अ लेफ्ट आप पहले से ही बिफोर यू अप्रोच द रोड पहले से योर कार मस्ट कम एंड स्टैंड हियर. यू कैन नॉट बी स्टैंडिंग हियर एंड देन टेक अ लेफ्ट. यू मस्ट बी स्टैंडिंग इन द लेफ्ट वेन इफ़ यू वॉन्ट टू टेक अ लेफ्ट एंड उसके बाद ही अगर आपकी ग्रीन लाइट स्टार्ट होती है ओनली देन यू मस्ट टेक अ लेफ्ट. अदरवाइज इफ़ यू स्टैंडिंग इन दिस लेन यू मस्ट गो स्ट्रेट. इफ़ यू स्टैंडिंग इन दिस लेन यू मस्ट गो राइट एंड वो आपके रोड पर मार्किंग्स पर ही लिखा हुआ रहेगा. एंड इफ़ यू आर कॉट डूइंग दिस ट्रैफिक वहाँ पे बहुत स्ट्रक हो जाएगा आपके पीछे ट्रैम्स रहेंगी तो बहुत प्रॉब्लम होएगा. सो जस्ट मेक श्योर यू आर डूइंग दिस एंड यू विल बी गुड टू गो. अनदर थिंग इन यूरोप दैट यू नीड टू नो इज समथिंग कॉल्ड एज प्रायोरिटीज है ना. सो व्हाट डज दिस मीन इज के पहले से ही ऑन द रोड प्रायोरिटीज आर डिसाइडेड. आई टेल यू व्हाट द डिफरेंस इज विद इंडिया एंड यूरोप. इंडिया में इफ यू सी द लाउडर बिगर एंड द हैवियर कार हैज़ द प्रायोरिटी उसके बाद गाड़ी आती है उसके बाद टू व्हीलर आता है उसके बाद पेडेस्ट्रियन आता है. पेडेस्ट्रियन इज़ लाइक नो वैल्यू इन इंडिया एंड विच इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट इन यूरोप. पेडेस्ट्रियन हैज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंस ऑन द रोड. उसके बाद साइक्लिस्ट है उसके बाद बाइकर्स है उसके बाद गाड़ी है एंड उसके बाद ट्रक्स है. सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस इन द प्रायोरिटीज. सो इफ़ यू आर ऑन अ रोड एंड ज़ेब्रा क्रॉसिंग है एंड देयर इज़ अ पेडेस्ट्रियन वेटिंग टू क्रॉस तो यू हैव टू स्टॉप फॉर द पेडेस्ट्रियन. साइकिलिंग में भी ऐसा है इफ़ देर इज अ साइकिलिस्ट यू हैव टू स्टॉप फॉर हिम उसके बाद मोटर बाइक्स उसके बाद कार्स. सो इंडिया में तो यू कैन नॉट इवन इमेजिन अगर सामने से वो बड़ी बड़ी बस आ रही है हॉर्न मार के तो यू हैव टू लेट देम गो. सो दैट इज़ वन मेन डिफरेंस. एंड इवन ऑन द रोड
even on the road when you see, आपको जगह जगह पे ऐसा एक येलो कलर का मार्किंग लिखेगा, दिस विल बी येलो, विच सेज दैट यू आर ऑन प्रायोरिटी रोड, है ना. सो वॉट डज दिस मीन इज के वेन यू आर ऑन अ रोड एंड सामने राइट से थोड़े जॉइनिंग रोड्स है, सो यहाँ पे अगर आपका वो येलो मार्किंग रहा, दैट मीन्स यू आर ऑन प्रायोरिटी रोड, यू डोंट हैव टू स्टॉप फॉर एनी वन. एंड सेम थिंग इज फॉर दीज पीपल, अगर वो लोग के पास यहाँ पे वो साइन बोर्ड नहीं रहेगा और दे विल हैव अ साइन सेइंग दैट यू डोंट हैव अ प्रायोरिटी, सो यू हैव टू स्टॉप फॉर ऑल व्हीकल्स टू गो एंड ओनली देन यू हैव द प्रायोरिटी टू गो. तो ये बेसिक प्रायोरिटीज पहले से सेट है, सो जस्ट मेक श्योर यू फॉलो देम एंड जस्ट गो थ्रू ऑल द साइन बोर्ड्स, वॉट डू दे मीन, एंड यू वोंट हैव अ प्रॉब्लम. अनदर थिंग इज के यूरोप में देर आर लॉट ऑफ सर्कल्स एंड सर्कल इंटरसेक्शंस, है ना. सो एंड दे गो लेफ्ट, दे गो स्ट्रेट, दे गो राइट. सो द सर्कल पे द प्रायोरिटीज एंड एवरीवेयर इन यूरोप द मेन प्रायोरिटीज के एनी कार दैट इज कमिंग फ्रॉम योर राइट हैज़ द प्रायोरिटी ऑफ वे एंड उसको पहले जाने दो एंड उसके बाद ही आपको जाना है. सो इफ़ यू हैव कम फ्रॉम हियर एंड आपके सर्कल में ऑलरेडी राइट पे एक गाड़ी है, आप उसको जल्दी ओवरटेक करके आगे नहीं जा सकते, यू हैव टू वेट फॉर द कार टू गो फर्स्ट एंड व्हेन द कोस्ट इज क्लियर ओनली देन टेक एंड ओनली देन गो अहेड, राइट. सो सर्कल प्रायोरिटीज आर सेट दैट वे एंड अगेन ये सर्कल पे प्रायोरिटीज भी एक्ट करेगा एंड लेन ड्राइविंग भी एक्ट करेगा. सो अगर आपको लेफ्ट जाना है तो आपको लेफ्ट मोस्ट लेन पे खड़े रहना है, अगर आपको सीधा जाना है आपको सेकंड लेन में खड़े रहना है तो ही आप सीधा जा पाओगे, एंड सेम फॉर द राइट, सेकंड लेन में खड़े रह के फिर आप राइट जा पाओगे. सो द सर्कल इंटरसेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट एंड दिस प्रायोरिटी इज इम्पॉर्टेंट. सो अगर इफ़ यू हैव दिस फ्यू थिंग्स इन माइंड तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा. सो गाइज, अगर आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस चाहिए तो यूट्यूब पे देयर आर वीडियोज दैट यू नो जस्ट रैंडमली पीपल आर ड्राइविंग अराउंड इन यूरोप, जस्ट टाइप ड्राइविंग इन पेरिस और जस्ट टाइप ड्राइविंग इन जर्मनी, देयर आर सो मेनी वीडियोज जहाँ पे लोगों ने अपना कैमरा अपने डैशबोर्ड पे लगा दिया है एंड फॉर लाइक 45 मिनट्स एक घंटे के लिए सिर्फ चला रहे हैं. तो यू नो जस्ट बाई सीइंग दैट यू नो आपको एक थोड़ा एक जनरल आइडिया आएगा. सो आई होप दिस वीडियो गिव्स यू अ ब्रीफ आइडिया ऑन हाउ टू रेंट अ कार इन यूरोप एंड द बेसिक ड्राइविंग रूल्स ऑफ यूरोप. एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, फील फ्री टू चेक आउट माई ब्लॉग. मेरे ब्लॉग में ये सब चीज़ के बारे में और डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया है, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू चेक इट आउट, यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन देयर. एंड गाइज, फील फ्री टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर सम अमेजिंग फोटोज, न्यूज, इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स ऑन ट्रैवलिंग, स्पेशली फॉर द इंडियन ट्रैवलर. And guys, don't forget to tune in next week. We are taking a road trip all the way to Gir Forest, where we are going to be attending a wedding, which is going to take place in the middle of the forest, and you don't want to miss out on that. And until the next time, keep on traveling.